बात होगी सनातन पर, उसी सनातन पर जिसे लेकर पिछले दिनों काफी विवाद हुआ। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद से देश में सियासत गर्मा गई। तो वहीं अब सनातन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी सामने आया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जहां एक तरफ कहा कि सनातन पर कुछ लोगों ने खत्म करने का सनातन की बात कही तो ही, लेकिन सनातन न कभी खत्म हुआ है न कभी खत्म होगा। वहीं सीएम योगी ने सनातन को शांति की गारंटी बताया है। सनातन समाप्त नहीं होता। देश में जाति की राजनीति के अलावा धर्म को लेकर भी चर्चा हो रही है। सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद लगातार माहौल गर्माता रहा, वो अभी भी गर्म है और इसको लेकर वक्त वक्त पर बयान सामने आ जाते हैं। इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हरियाणा के रोहतक में सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वालों को चेतावनी दे डाली। इतना ही नहीं, उन्होंने इशारों इशारों में सनातन को खत्म करने की बात करने वाले उदयनिधि स्टालिन पर भी जोरदार हमला बोला और कहा कि सनातन पहले भी था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। सनातन समाप्त नहीं होता, इसीलिए वो सनातन है, वो सर्वत्र रहता है। मनुष्य के शरीर में आत्मा के रूप में वो रहता है और उसका वर्णन गीता में है, नित्य सर्वगत स्थाणु अचल। वो नित्य है, शाश्वत है, मरता नहीं, मारता नहीं, सब जगह है, सर्वगत है, स्थिर है और सनातन है। पहले भी था, आज भी है, बाद में भी रहेगा। अब किसी किसी को लगता है उसको नष्ट करेंगे। पहले भी एक सज्जन ऐसे खड़े हो गए सनातन को नष्ट करने के लिए निकले, दुर्भाग्य से क्या हुआ, उनका पुत्र ही सनातनी बन गया। लाख मनाया लेकिन छोड़ा नहीं उसने। एक तरफ मोहन भागवत सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी करने वालों को खरी खरी सुना रहे थे, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सनातन को शांति की गारंटी बताते हुए नजर आए। सीएम योगी ने कहा कि जिन्हें सनातन धर्म पर विश्वास था उन्हें अपने कर्म पर विश्वास था, जो लोगों के लिए असंभव था आज नए भारत ने उसे संभव बना दिया। पूरी दुनिया के अंदर वर्तमान में संघर्ष चल रहा है, कोई अफगानिस्तान से भाग रहा है, कोई यूक्रेन से भाग रहा है, कोई गांजा पट्टी से भी भाग रहा होगा, लेकिन दुनिया के अंदर अगर वास्तव में विश्व शांति की कोई गारंटी हो सकता है तो विश्व शांति की गारंटी केवल सनातन धर्म हो सकता है और भारत हो सकता है, बाकी कोई और नहीं हो सकता। यही कारण है जब आज दुनिया के अंदर संकट आ रहा है। 2024 का चुनावी बिगुल बजने के साथ ही सनातन पर प्रहार और सनातन पर बयानों की बौछार जो शुरू हुई थी वो अभी भी जारी है और एक बार फिर इन बयानों से ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर फिर से गर्माहट निकलकर सामने आएगी। रोहतक से देवेंद्र दांगी, खबरें अभी तक।